जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह अलवर राजस्थान से कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की यात्रा। और अभी फिलहाल मैं हूँ जामनगर में और अब यहाँ से अपनी यात्रा में लेकर चलूंगा राजकोट की तरफ। तो सुबह भैया के फ्लैट पे अभी भी ब्रेकफास्ट यही करेंगे और हमारे दोस्त ने बनाई है चाय और मैगी। भाई मैगी मैं बहुत टाइम बाद खाने वाला हूँ और मैगी खानी, केदारनाथ की तरफ जाएंगे हमें वहाँ पे मैगी ही खानी पड़ेगी क्योंकि एक मैगी एक्सपीरियंस ऑल ओवर इंडिया में सब जगह मिल जाएगी और आसानी से बन भी जाएगी। तो बस अब भैया को बाय बाय टाटा बोलने का टाइम आ गया, बस अब जाने का टाइम है। अपना सारा सामान रेडी है, साइकिल तो वैसे कुछ निकाला नहीं साइकिल से, तो साइकिल पे जो सामान था वो वैसे कैसे पैक है, वैसे हेलमेट वगैरह बैग वगैरह है। तो लेकर हम अपनी यात्रा को लेकर निकलेंगे राजकोट की तरफ, तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग्स में और आप कमेंट में रहा देव। कई दिन से 15 महीने हो गए राजस्थान अलवर। तो फाइनली दोस्तों सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम फिलहाल डिफेंस के कॉलोनी में से निकल रहे हैं रोड की तरफ और फिर जामनगर में कोई ना कोई 2-3 चीज़ें खरीदनी है वो खरीदेंगे अगर दुकान नहीं मिल गई तो। एक साइकिल से रिलेटेड काम है, एक स्पोर्ट्स का काम है और उसके बाद फिर हम निकलेंगे राजकोट की तरफ। और राजकोट यहाँ से शायद 90 से 100 किलोमीटर के बीच में है, देखते हैं सिटी कितनी बड़ी है, 100+ भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, फिर जामनगर सिटी पे डिपेंड करेगा। हर हर महादेव। और ये महादेव जी का टेंपल है, सुबह बहुत अच्छे दर्शन हो गए महादेव जी के भी। अब यहाँ से हम हाईवे पर चढ़ने वाले हैं बस, तो जुड़े रहे हमारे साथ आप ऐसे ही और अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहे। तो फाइनली दोस्तों एक जामनगर सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इस वजह से हालत ख़राब हो रही है इस ट्रैफिक में, क्योंकि निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। और अभी हमें सीमा शुल्क भवन के पास जामनगर, देखते हैं सिटी से क्रॉस होकर कब हम राजकोट वाले हाईवे पे निकलेंगे, तब भाई शांति में शांति आएगी। और हमारे साथी पता नहीं आगे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओ बोले चलिए, क्या हुआ? अरे हम भी तो ट्रैफिक में फंस गए थे भाई। तो भाई साइकिल वाइकिल की कोई दुकान नहीं तो मिली नहीं, देखें कहाँ तक ये साइकिल हमें साथ देती है बेचारी। बहुत ज़्यादा काम आ गया साइकिल में, पता नहीं क्या ख़त्म हो जाए साइकिल, कुछ नहीं पता, खिंड सकती है गियर वेयर चैन टायर, अब इसमें मोटा पैसा लगाना पड़ेगा भाई हमें, मोटा पैसा मोटी चैन की गाड़ी। हर हर महादेव। अभी रूम पर तुम्हारा सिनेमैटिक चल रहा है, हैं? कहाँ चल रहे हैं तो रुके हैं। हाँ सोमनाथ नागेश्वर द्वारिका बैट द्वारिका सब हो गया। तो फाइनली दोस्तों ये ताऊ जी मिले हैं गुजरात में और ये हमें लस्सी पिलाने वाले हैं, ये गुजरात के लोगों का भाई
एक अलग ही लेवल है, अलग ही प्यार है भाई। बहुत अच्छा लगता है गुजरात के लोगों के साथ प्यार, तो बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमें करते रहें। दोस्तों दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अभी गुजरात में है ना द्वारकाधीश जी की पदयात्रा चल रही है, और वहीं पे भंडारे में भी खाना खाएंगे। फिर दिखाते हैं आपको सामने जो भंडारा चल रहा है, पहले भी हाथ पैर धो लेते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको। और ये भंडारा बहुत विशाल भंडारे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। जय द्वारकाधीश। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं भंडारा, और भंडारे में बढ़िया खाना मिलेगा इज्जत से। इधर से अंदर से। प्लेट ये हलवा लेना भाई, रोटला एक और दे दो, तो बिल्कुल देखो थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अभी बैठने का जुगाड़ देख रहे हैं, बैठ के आराम से खाएंगे। किधर बैठे भाई, ये बैठ गए और ये अपना खाना रेडी हो चुका है, तो आप देखो बिल्कुल रेडी है भोजन। अब भोजन करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा को लेकर चलेंगे आगे की तरफ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश। बहुत ही अच्छा भोजन हुआ है, भोजन आपने देखा ही होगा, और यार मज़ा आ गया खाना खाने में। और अब यहाँ से अब बस कोई पेड़ की छाया देखेंगे, कोई मंदिर देखेंगे, और बस। और आपको पता है सीट तो भाई कितनी गर्म पड़ रही होगी, ओहो मौज ही मौज हो रही है भाई सीट पे तो, गर्मी बहुत तेज है भाई, क्या करें सीट तो भाई। तो दोस्तों चलते हैं, सामने एक मंदिर दिख तो रहा है, शायद उसमें आप थोड़ा आराम करेंगे। खाना खाने के बाद साइकिल नहीं चलती और धूप भी बहुत तेज हो गई है, तो चलिए। जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। और भाई अब राजस्थान की दूरी है यहाँ से 460 किलोमीटर, क्योंकि माउंट आबू बॉर्डर में एंट्री करेंगे हम, और 460 दिन शायद एक हफ्ता लग जाएगा हमें क्रॉस करने में, क्योंकि धूप बहुत तेज है, पूरे दिन साइकिल नहीं चला सकते। जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, बस आप हमें ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें। हर हर महादेव। तो दोस्तों गुजरात के कुएं देखो बस ऐसे होते हैं, और सामने आपको 10 से 15 फीट में पानी दिख रहा है, ज़्यादा नीचा नहीं देख रहे ना, पानी बिल्कुल नीचे ही है। और यहाँ से पानी है ना फिर इस यहाँ पे आता है, इस होदी में आता है, और यहाँ पे इस होदी में देखो ये मोटर लगी हुई है, और उस साइड जहाँ पे पानी जा रहा है उस साइड इंजन लगा हुआ है। यहाँ से पानी आके इस कुएं में से यहाँ पे कूदता है, और फिर यहाँ से जो ये मोटर आप देख रहे हैं अपने 10 वाली मोटर जिसको अपन बोलते हैं, ये वाली मोटर है, यहाँ से ये चलती है, और फिर ये पानी ऐसे खींच के और खेतों में जाता है। तो भाई अलग अलग टेक्नोलॉजी है सब जगह की, तो मन कर रहा है खेली टाइप में है नहा लेंगे शायद, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है। और यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी हो गई है, पर विवेक भैया कुएं में कूदने वाले हैं, कह रहे हैं मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे तो मैं कुएं में कूद के आत्महत्या कर रहा हूँ भाई। तो भाई इसको हम मना रहे हैं कि भाई नहीं, और कह रहे हैं मैं साइकिल भी लेके कुएं में कूद दूँ, तो भाई ऐसा नहीं करना, लोग आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों कुछ अपने पास बिछाने का है, शायद बिछाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि अभी खाना खाया था, खाना खाने के बाद साइकिल नहीं चलती। तो तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही, और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, और हम यात्रा करके को स्टार्ट कर चुके हैं हाथ मुँह धो के, और अब यहाँ से शायद हमें राजकोट नहीं जाना पड़ेगा, राजकोट से पहले हमें मोरवी की तरफ मुड़ना।
से फिर वो हाईवे हमें लेके जाएगा माउंट आबू राजस्थान की तरफ। और बहुत ज़्यादा लोग द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय द्वारकाधीश। पैदल मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। माहौल है, इतने लोग देख के बहुत तो अच्छा मन लग रहा है यहाँ पे। और बहुत तो ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं, लकड़ी हाथ में सबके, और सब पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। जैसे खाटू श्याम जी के जाते हैं राजस्थान में, ऐसे यहाँ पे द्वारकाधीश जी के जा रहे हैं। कहते हैं कि साल में एक बार वहाँ पे कोई महादेव जी का मंदिर है जो साल में एक बार दरिया में से निकलता है, बस क्योंकि पानी सूख जाता है वहाँ का और फिर वो दिखाई देता है साल में एक बार, वो भी होली वाले दिन। अगर हमें पहले पता होता तो हम रुकते वहाँ पर, आपको महादेव जी के दर्शन करवाते, क्योंकि महादेव जी की यात्रा हम कर रहे हैं और महादेव जी की ऐसी रोचक बातें अगर हमें पहले पता होती तो हम जरूर आपको भी दिखाते। कोई नहीं, अगली बार फिर हम आने की कोशिश करेंगे होली पे। जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से अब हम राजस्थान के लिए पकड़ेंगे एक हाईवे, और हाईवे है शायद 151, और वो यहाँ से है ना, ये हमें राजकोट लेके जाएगा और ये वाला हाईवे हमें लेके जाएगा राजस्थान, और ये शायद यही हाईवे हमें पूरा राजस्थान लेके जाएगा, और इसके अलावा हमें दूसरा हाईवे जाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ। राजस्थान यहाँ से 400 कुछ किलोमीटर है बॉर्डर, और हम शायद बाड़मेर में जाके निकलेंगे यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने राजस्थान को लेके कि यार कब मैं राजस्थान की धरती पे पहुँचूँगा, क्योंकि वो एरिया मेरा ड्रीम है उधर का मैं। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार उधर अभी वो धूप पड़ेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो यार अपना राजस्थान है, बड़ा प्यारा है, उस चीज़ को तो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और विवेक भाई को भी हम राजस्थान एक्सप्लोर कराएंगे हमारे साथ। बस आप हमें है ना मोटिवेट करते रहें, हमारा हौसला ना टूटने दे। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम चल रहे हैं फिलहाल 151 पे, और यहाँ पे है ना दूर दूर तक भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल नया हाईवे बना है ना। और इधर गेहूँ की खेती कट चुकी है और इधर जला रहे हैं भाई गेहूँ, मतलब कि नीचे का जो होता है वो जला देते हैं, ऊपर ऊपर जैसे गेहूँ यूज लेते हैं मशीन से, बाकी जला देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है इधर, पोल्यूशन में आपको पता है सांस लेने में दिक्कत करनी बहुत ज़्यादा होती है। इस हाईवे पे ना कोई ढाबा दिख रहा है यार अभी तक, अभी और चलते जाओ, सीसीटीवी कैमरे जरूर लग रहे हैं। ये हमें बस राजस्थान ले जाके छोड़ेगा। हाँ ये ले जाएगा हमें राजस्थान 151। बॉर्डर तक लेके जाएगा भाई, देखते हैं जैसा भी होता है। ऊपर में तो यही बता रहा था, बाकी और अभी देखेंगे। मालिया आएगा 76 किलोमीटर दूर, मालिया से जाना पड़ेगा हमें राइट। तो फाइनली दोस्तों आश्रम मिल गया है, और यहीं पे आज का रात्रि विश्राम होगा अपना, और रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। सुबह फिर यहाँ से नहा धो के आराम से निकलते हैं। जय द्वारका। मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट। जय द्वारका। अच्छा अच्छा यहाँ पे आश्रम में बढ़िया व्यवस्था है, अपनी साइकिल खड़ी कर लेंगे और सुबह नहा धो के यहाँ से निकल जाएंगे। तो जय द्वारका जी। हाँ लगा लेंगे विवेक भैया, आओ।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कैंपिंग टेंट रेडी हो चुका है, क्योंकि वैसे तो हम इधर भी सो सकते थे पर यहाँ पे है ना मच्छर थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे हमने कैंपिंग टेंट लगाया है दोनों भाई ने, और इधर अपनी साइकिल खड़ी है, और अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे भजन सत्संग चल रहा है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आराम से सोएंगे, अभी थोड़ा वीडियो वगैरह एडिटिंग करेंगे। और हमारे विवेक भाई तो अपनी सारी तैयारी में जुट गए, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमने आधा सामान तो रख दिया अपना, और पावर बैंक भी हमारा फुल है तो आज तो चाहिएगा नहीं, तो थोड़ी देर इंतजार करिए, उसके बाद अभी आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा म्यूजिक साउंड कम हो जाता है, तब तक के लिए हर हर महादेव, और आप ऐसे हमें प्यार सपोर्ट करते रहें और मोटिवेट करते रहें। तो फाइनली दोस्तों रात हो चुकी है और कैंपिंग टेंट में मैं मेरा दोस्त विवेक एक ही कैंपिंग टेंट लगाते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह दो सो लो फिर दो ही सो लेट, तो क्या मतलब टू पर्सन कहते हैं उसमें सो जाते हैं, और आपको कुछ बात ऐसा है, देखो बहुत सारे इधर अपनी साइकिल खड़ी है, और इधर जो द्वारिका दीज जा रहे हैं ना बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, कम से कम 100 से 150 लोग हैं, और हम भी बस अपना कैंपिंग टेंट लगाया है, हम भी अब सोएंगे और सुबह से यहाँ से उठ के फिर मामले अभी आगे की कोई सिटी का हमें नाम नहीं पता, बड़ी सिटी का, और ये आई हमें लेके जाएगा राजस्थान में, और राजस्थान की बहुत सांचौर सिटी में एंटर करेंगे, जो कि राजस्थान के अभी नया जिला बना है सांचौर, तो यानी 3-4 दिन या लग जाएंगे शायद राजस्थान पहुंचने में, 320 किलोमीटर है यहाँ से, तो शायद 4-5 दिन लग जाएंगे, और दिल थाम के रखिए आपको राजस्थान पूरा एक्सप्लोर करवाने है, जो जो भाई राजस्थान से है ना वो अच्छा अच्छा कमेंट करें, और हम आ रहे हैं जल्दी राजस्थान, राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए हमारे ब्लॉग में इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर।